पंजाबी अकैडमी चैनल विच आप सब दा एक बार फिर तो स्वागत है। इस तो पहला कि आप जी वीडियो देखो, मैं आप जी नू बेनती करती हाँ कि नवीं वीडियोस प्राप्त करन लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन दे बटन नू दबाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करो। अज दा टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना दा सार, अरदास मनुखी जीवन लई एक जरूरी वस्तु है। वड्डे वड्डे राठां ते सियाणियां नूं वी इस दी जरूरत पैंदी है। सिख धर्म विच इस दी खास महानता है। सारियां रस्मां रीतां ते परमार्थक साधना दी थां सिख दी इक अरदास ही काफ़ी है। अरदास एक फर्ज है, इस दे उत्तर दी जरूरत नहीं हुंदी। सिख दी अरदास निराली है, इस नालों निज तों उपर उठ के सरबत दे भले विच लीन हुंदा है। ये उसकी चढ़दी कला का साधन है। ये छोटे तो वड्डे होण दा सहज सुभा यतन है। अरदास महाराजा रणजीत सिंह दे रोहतास दे किले विच कैद पए एक ताड़वी कैदी वांग व्यक्ति दे जीवन ते चरित्र नूं बदल के रख दिंदी है। अरदास मनुख नूं अथाह आनंद ते शांति दिंदी है। उस नूं दुख संकट ते कष्ट दुखदाई प्रतीत नहीं हुंदे। इस करके सानू कदे किसी मनमतीए दी यह गल नहीं मननी चाहिए कि अरदास करनी व्यर्थ है। सानू कदे भी उस दयालु प्रभु नूं भुलना नहीं चाहिदा। अंत सब ने परमात्मा दी दरगाहे चलना है, जिथे भले बुरे कम्मां दा निपटारा होना है। इसलिए भलाई इसे गल विच है कि असी प्रार्थना द्वारा उस जगत पिता तो अपने पाप बख्शाइए। सानू जगत का विहार शुद्ध रखना चाहिदा है ते मन करतार वल ला के सदा प्रार्थना करनी चाहिदी है। प्यारे बच्चो, हुण असी प्रार्थना निबंध दे क्वेश्चन आंसर करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अरदास क्यों ते कदों ते क्यों कीती जांदी है? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, बंदे लई अरदास एक जरूरी वस्तु है। जिंदगी विच कई मौके अजिहे आउंदे हन जदों वड्डे तो वड्डे राठ आदमी लई भी अरदास तो बिना कोई राह नहीं रह जांदा। अरदास जिंदगी विच हर संस्कारिक मौके उपर जन्म वेले, मरण वेले, व्याह वेले, रोग वेले, जंग वेले, मुश्किल समय कार्ज की सिद्धि की जाती है। इस नाल मनुख चढ़दी कला विच रहिंदा है। नैक्सट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइडल दे अरदास बारे की विचार हन? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, ऑस्कर वाइलड का विचार है कि अरदास का उत्तर मिलना ही नहीं चाहिदा। अरदास का उत्तर मिले तो वह अरदास नहीं रहिंदी, सगों वह खतो किताब का सिलसिला बन जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, सिख धर्म विच अरदास की की महत्ता है? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, सिख धर्म विच अरदास चढ़दी कला का साधन है, जो मनुख नूं सहज सुभा छुटेरेपन विचों कढ के वड्डा बना दिंदी है, जिस नाल मनुख एक सरबत्ती पुरख हो के निष्पाप तो उच्चा उठ जाता है। इसे दा नां चढ़दी कला है ते इस अवस्था की पूर्णता ही अरदास की करामात है। नैक्सट क्वेश्चन, प्रार्थना करन नाल कैदी दे विहार विच कहो जी तब्दीली आई ते किवें? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, प्रार्थना करन नाल कैदी दा मन शांत हो गया। वह हर रोज़ पाठ करन ते उस दे अर्थ समझन लगा, जिस नाल उस दे सुभाव विच मिठास ते निम्रता आ गई। उसका परमेश्वर विच अटुट विश्वास कायम हो गया ते उसने संस्कारिक पदार्थां ते पदवियां तो मूँह मोड़ लिया। नैक्सट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह ने कैदी की सज़ा माफ भी कर दिती? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, महाराजा रणजीत सिंह ने वाहिगुरु दा इस गल्लों शुकराना करन लई कि उसने उन्हां दी अरदास सुन के उन्हां नूं सेहत बख्शी है, राजा ध्यान सिंह दी सलाह मन के कैदी दी सज़ा माफ कर दित्ती। नैक्सट क्वेश्चन, कैदी ने अपनी रिहाई समय महाराजा रणजीत सिंह नूं की कहा? उत्तर लगभग 40 शब्दों विच लिखो। उत्तर, कैदी ने सारी आप बीती सुनाउंदिया महाराजा रणजीत सिंह नूं कहा कि उन्हां दी कृपा नाल ही ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अनुसार मनुख नु समाज विच किवें विचरना चाहिदा है? उत्तर लगभग 40 शब्दां विच लिखो। उत्तर, लेखक अनुसार मनुख नु समाज विच विचरदियां परम पिता तो अपनियां भुल्लां बख्शा के भजन रूपी खेप लदनी चाहिदी है। जगत नाल अपना विहार शुद्ध रखना चाहिदा है। मन करतार वल रख के सदा प्रार्थना करदियां सरबत दा भला मंगना चाहिदा है ते हमेशा भले कम करने चाहिदे हन। धन्यवाद।